मान लीजिए सामने वाले के हाथ में बंदूक है, तो आप तलवार लेके लड़ाई लड़ सकते हो। अगर उसके हाथ में बंदूक है तो बंदूक आपको क्या करनी पड़ेगी? मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलिए, मेरी मंशा ये नहीं कि आप किसी से झूठ बोलिए। जब आप फॉर्म भर रहे हैं प्राइवेट कंपनी का और वहां पर कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है तो जाति मत भरिए, मगर नौकरी मिलने के बाद यदि ऑफिस में कोई समस्या होती है जाति को लेकर तो फिर आप कानूनी कार्रवाई बढ़िया कर सकते हैं, फिर आपके पास अधिकार है, आप एक जगह आ गए हो। इसलिए लड़ाई लड़े थोड़ा दिमाग से लड़े। दूसरी बात, क्योंकि यहां पर युवा वर्ग बैठे हैं तो मैं आपकी जगह ज्यादा नहीं फोकस करूंगा, सफेद बाल वालों पर फोकस करूंगा। क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध ने कहा था, निरोगम परम धर्म। सबसे पहली चीज आपको करने की फिट रहना, शारीरिक रूप से मजबूत। शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तो दिमाग भी अच्छा काम करेगा, मन में कंट्रोल रहेगा। ठीक, बहुत छोटे छोटे शब्दों में बताता हूं। दूसरी बात, जितने युवक यहां बैठे हैं सभी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल फोन होगा, सभी लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करें सोच समझ के इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी को करना है, छोड़ना नहीं किसी टेक्नोलॉजी को, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है। सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं करना है कि स्कूल कॉलेज के बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करके चले जाए, उस इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए सूचना के, इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि दुनिया में हो क्या है। मुझे आप लगा बताओ कितने बच्चे हैं न्यूज पेपर पढ़ते डेली, तो मुझे ये बताओ कितने लोगों को मालूम है कि फेसबुक ने क्या किया। ठीक है, ये स्थिति हो गई, यानी कि आप उठाए 50 ने मगर जानकारी वो है कि 300-400-500। ठीक, तो आप लोग सब फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये तो पता हो कि आप उसमें देख क्या रहे हैं, देखना क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पीछे नहीं रह रहा है, रेस में पीछे रहने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं प्रतिभा सम्मान समारोह, जिन लोगों ने नई नौकरी पाई उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी जाए, किसी तरह बताए नहीं। आगे पढ़ने के लिए जैसा कि अभी कैंप साहब की बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि यहाँ पर चारों तरफ शिक्षण संस्थानों की मंडी हुई है, जहां से शिक्षा को बेचा और खरीदा जा रहा है। शिक्षा अधिकार, बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान में लिखा शिक्षा आपका अधिकार है। शिक्षा अधिकार तो है मगर साथ साथ वो बिजनेस भी हो गया, अभी क्या है कि बिजनेस हो गया, तो अब शिक्षा जो है वो कमाई नहीं जा रही है, अब शिक्षा बेचकर खरीदी जा रही है। ये हमारा जैसा मैं कह रहा हूं आपके सामने, मेरा दायित्व है, हमारे सभी पदाधिकारियों का दायित्व है कि वो इस शिक्षा को आगे तक फैलाए। अभी संस्था के बैठक से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग स्कूल खोलना चाह रहे हैं, इसी तरह के प्रयासों से आगे चलेगा। मतलब अगर केंद्र साहब ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाना है संघर्ष करना है, अब हमें सब संघर्ष करना है, सवाल इस बात का करना कैसे, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने 80-85% मार्क्स लाए हमने काम में, अब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़े। हाईस्कूल इंटर का बच्चा अपने गले मोहल्ले में पहले दूसरे तीसरे चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को पढ़ा है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली वो 7-8 के बच्चे को पढ़ा है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो हाईस्कूल इंटर को पढ़ा है, उनकी डेली की समस्या को दूर करें। वरना क्या होगा, वरना आप जितना पैसा स्कूल में खर्च करोगे उतना पैसा कोचिंग में खर्च करोगे, अगर आप ये काम करोगे तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई कंपटीशन देना है तो पिछले 10 साल के सवाल आप उठा लेंगे, उन सवालों को सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व होगा तो इन्हीं प्रतिभाशाली बच्चों की हेल्प लेंगे, इन्हीं लोगों की मदद लेंगे जिन्होंने नौकरियां पाई हैं, जिन्होंने नौकरियां पाली, नौकरियां पा के पहुंच गए, उन लोगों की हेल्प लेंगे, अपने स्कूल के टीचरों की हेल्प लेंगे,
नहीं होगा कि अंत में आप लोग अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करें कि मुझे इतने पैसे दो मुझे सब जगह एडमिशन लेना। नहीं, अच्छी पढ़ाई की थी, अच्छे नंबर लाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ली, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ली थी जहाँ पे खर्चा भी कम होता। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 11,500 रुपये सालाना फीस है, केवल फीस है मेडिकल की। 5-7 लाख रुपये हॉस्टल के अलग, यानी कुल मिला के 20 लाख के लगभग खर्चा हो गया साल में। नहीं पढ़ा सकते तुम, संभव ही नहीं, तो करना क्या है? कॉम्पिटिशन बीट करो और क्या करोगे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लो, गवर्नमेंट डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज लो, 25,000-30,000-80,000 का पढ़ाई हो जाएगी। लोन भी बड़े आराम से दे देंगे आप अपने बैंक से। हम जैसे लोग हम लोग जो हमें ज्यादा मदद कर पाएंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब फीस इतनी है और पढ़ाई वहां कुछ होती है, तो फिर इस तरह के जो जुड़े संस्थान खुले हैं से बचो। ये जो सर्टिफिकेट सम्मान समारोह संस्था ने किया है आपको सावधान के लिए इसीलिए किया है कि आप अपने पढ़ाई के बल, अपने ज्ञान के बल अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तभी सार्थक साबित होगा। ये जो इतना प्रयास किया गया है, हम लोग यहाँ पे आए, अपना समय भी लगा रहे हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए, ये तभी सार्थक हो पाएगा जब आप इससे रिजल्ट नहीं आ पाए। मेरा मानना यह है कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, किसी एक बच्चे ने भी ऐसा किया तो ये कार्यक्रम आपका सफल होगा, ये कार्यक्रम सफल माना जाए। ये हो गई आपकी शारीरिक और मानसिक दक्षता की बात, कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए ये काम करना है। आखिरी बात इस बात से खत्म करूंगा, सबसे जरूरी है, कोई एक बात बता करता है, सबसे जरूरी क्या है आपके जीवन में, सबसे जरूरी क्या है बताइए? शिक्षा के साथ उद्देश्य, लक्ष्य, बहुत अच्छी बात है। और कोई समय, बहुत बढ़िया बात की बच्ची, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी समय। समय निकल के वापस नहीं आ सकता, जो बाकी काम जो बाकी आप लोगों ने बताया, ये इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करने का साधन हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है समय बचाना। समय बचाने के लिए सबसे जरूरी खुश रहना। अगर आप किसी काम को करते हुए खुश नहीं है तो समय आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि फिर आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, टेंशन में, परेशानी में, समस्याओं में घिरे रहने से आप लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। मेरा सब लोगों से अनुरोध है, सब लोग यहाँ पे हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद है, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके बॉडी की एनर्जी बनी रहे, टेंशन में रहोगे तो अपनी गलती दूसरे पे डालो। अगर मान लीजिए एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, बच्चा कह रहा है टीचर ने नहीं पढ़ा, सो नहीं पाया, तो मम्मी से सोने नहीं दिया, चोट लग गई तो एक बगल वाले लेके आ गया, नहीं, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। खुश रहिए, दूसरे को खुशी दीजिए, तभी आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे, ये सारी समस्या भी खत्म हो जाएगी। जब आप खुश रहेंगे तो आपका विरोधी 10 विरोधी के जैसे बन जाएगा, खुश रहना, साधन संपन्न रहना, खाली नहीं बैठना। किसी बच्चे का सिलेक्शन यदि मान लीजिए किसी ऐसी नौकरी में नहीं होना जो चाह रहा है, खाली नहीं बैठना, उसको व्यवसाय करना है, उसको अपना काम करना, किसी की नौकरी नहीं करनी, फिर अपनी नौकरी करनी। अपने समाज के लिए सजग रहने की जरूरत है, अखबार पढ़िए, न्यूज देखिए और अपने आगे की प्लानिंग करके प्लानिंग से चलिए। इस तरह के कार्यक्रम जो यहाँ पे हो रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप प्लान करें, समय बचाएं, अपनी एनर्जी मेंटेन करें, साहसी रहें, किसी से डरने की जरूरत नहीं,
जब आपके अंदर ये चीजें हो गया हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई समस्या आएगी, सपोज कीजिए मान लीजिए आपको किसी ने पकड़ लिया, तो जब आप किसी से डर नहीं रहे तो आप खाली आराम से जा सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कुछ करना है, मान लीजिए किसी को व्यवसाय नहीं करना, यदि वो वाकई करना चाहता है तो अपना रास्ता ढूंढ ले, सब यहां बैठे एक दूसरे से मदद ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहां संवाद की बहुत कमी, आपस में बातें नहीं करते हैं, क्या बच्चे या माता पिता जब बैठे क्या बात उठा के बता सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो प्रतिदिन अपने बच्चों से रोज बैठ के हर चीज बात करते हैं, अपने स्कूल के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सारी बात बता रहे हैं, कम है, कम है, जरूर करने बहुत अच्छा, लेकिन जो नहीं करना वो गड़बड़ रहे। आप खुद इस बात को स्वयं आप इस बात को सोच सकते हैं कि आप कितनी बातें नहीं बोल सकते, कोई समस्या होती है आपकी, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, आजकल डायल करने की घटना चल रही है, तो कुछ लोगों को जो समस्या होती है वो कभी नहीं बराबर वाले से बात नहीं करते, सीधे सॉरी बोल देते हैं, यदि वो दो चार लोगों से बात कर लेंगे तो समस्या का हल हो जाएगा सामाजिक तौर, क्योंकि वो सिपाही का हाथ नहीं रहने वाला, वो आज यहाँ है कल कहीं चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को वहीं रहना है, आप आसपास ही रहना। तो ऐसे प्रोग्राम का या मान लीजिए बाबा साहब की शिक्षाओं का भी असर नहीं है कि हम लोग दूसरे को टारगेट करके गोली मार देना, नहीं, यह लड़ नहीं रहना है किसी, जब आप सबका साथ ले लेंगे वो आपकी जीत होगी, आप ये बात कहेंगे तो दस लोग उस बात को सुनेंगे तो आपकी जीत होगी, सिर्फ अपने लिए रह जाना अंदर ही रह जाना कोई मायने कोई मायने नहीं होगा, आगे निकलने की बढ़िए लीडर बनिए, लीडर का मतलब नेता नहीं होता, लीडर का मतलब ये होता है कोई मान लीजिए आपकी समस्या हो तो आपने आगे बढ़ के उसको पूरा कर लिया, लीडर होता है। बहुत कुछ यहाँ से संस्था का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सम्मान देते हुए यहाँ बुलाया, और मैं आपसे माफी भी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रह पाया, क्योंकि इस वक्त मैं जिले पुलिस में हूँ, जब मैं और दूसरे पुलिस में रहता हूँ तो पूरा समय मेरे पास रहता है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ जुलूस है मुझे इस तरह की है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से सवाल मैं आपसे ये कहता हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ किसी वजह से किसी भी तरह से आपके काम आ सकता तो हमेशा मेरा यह कहना जिस तरह से चाहे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी तो शरीर में काफी ताकत है तो पूरा इस्तेमाल कर लीजिए।